Now class 10 physics students, 12 I will begin. Class 10 physics students. Class 10 physics, chapter 1, page 12. Question number 27, multiple choice question. The other name of potential difference is? Answer is voltage. So it can be voltage itna hai. Your difference of potential of that. 28 में है विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज ट्रू और करेक्ट. एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ये राइट है. एन अमीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस अराउंड है और थर्ड ए वोल्टमीटर हैज लो रेजिस्टेंस ये भी अराउंड है. तो पहला केवल करेक्ट है. विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आपको कहना है वन इज करेक्ट. देयरफॉर डी ऑप्शन यहाँ पर आप राइट है. पहला दूसरा और तीसरा राइट है क्योंकि केवल केवल अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. एंड अमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस रॉन्ग है क्योंकि अमीटर में बहुत लो रेजिस्टेंस होता है और वो सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में कनेक्ट. तो इसलिए दूसरा तीसरा दोनों राम है स्टूडेंट्स. तो आप इसको वैसे कर लीजिए. अब यहाँ 29 क्वेश्चन है. क्वेश्चन 28 हमने बता दिया. 27 बताया था हमने. 28 में बताया कि आपका डी ऑप्शन है. 27 में भी डी ही था नहीं सी था. 27 का आंसर सी था वोल्टेज. 29 विच यूनिट वुड बी यूज टू मेजर करेंट. तो करेंट को मेजर करने के लिए 29 में है एम्पीयर. आप जानते हैं एम्पीयर ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखने के लिए स्मॉल लेटर से एम्पीयर. ये कैपिटल लिखेंगे एम्पीयर स्मॉल लिखेंगे. इसने कैपिटल से लिख दिया है जो इसके दूर है आपके बुक का. मस्ट बी स्मॉल एम्पीयर. आपके बुक में 29 क्वेश्चन में कैपिटल कर दिया है जो कि उसका नाम हो जाएगा साइंटिस्ट का. इसलिए उसको हटाने के लिए आप देखिए बुक में पीछे स्टूडेंट्स एम्पीयर जहां लिखा होगा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट वहां पर एम्पीयर को छोटा किया होगा. ए लिखा जाएगा तो कैपिटल. हाँ आप देखिए पेज 7 पर इट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर. यहाँ पर ए छोटा है स्टूडेंट्स और आप यहाँ पर करेक्ट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन डी राइट है यहाँ का. लेकिन उसमें जो स्पेलिंग लिखा है ए की कैपिटल एम्पीयर की कैपिटल ऐसे और आम में स्मॉल ऐसे होना चाहिए. एक करेंट थ्रू फ्लड लैंप इज 5 एम्पीयर व्हाट चार्ज पासेस इन 10 सेकेंड. तो ये 30th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. क्लास फ्लड लैंप का आई है करेंट है 5 एम्पीयर और टाइम पास हो रहा है विथ चार्ज पासेस इन 10 सेकेंड. टाइम ऑफ पासिंग है 10 सेकेंड. तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है. इसलिए चार्ज 5 इंटू 10 दैट इज 50 कूलम पर चार्ज पास हो रहा है और ये ऑप्शन आपका डी है पर डे. उसी तरह से 31st क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट इज 300 कूलम. टाइम है 10 मिनट मीन्स 10 × 60 600 सेकेंड हो गया. एंड चार्ज इज क्यू चार्ज इज 300 कूलम. द करेंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर आई होता है क्यू बाई टी स्टूडेंट्स. तो आपका होगा 300/600 और आंसर होगा आपका 3/6 = 0.5 एम्पीयर और 0.5
पर्सन सी यहाँ पर राइट है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने जितना हो सका मैंने आपको इसमें न्यूमेरिकल करवाया और हाई हॉट्स है, हाई ऑर्डर थिंकिंग पर क्वेश्चन है तो इसमें भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इस पेज को हम छोड़ दे रहे हैं। फिर ओम्स लाइन रेजिस्टेंस आएगा आगे हमारा और भी अच्छा है। तो ऑन पेज 18-19 पर हम मूव कर जाते हैं जहाँ पर ओम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके आगे भी एक एक्सरसाइज है ऑन पेज 26-27 है, हम थोड़ा थोड़ा इसको करते जाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज 18 पर सेट करते हैं। यहाँ भी कुछ है, नेम द लॉ विच रिलेट द करेंट इन ए कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स फील्ड, जो ओम्स लॉ है पहला क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स ये आपका पहला क्वेश्चन है ओम्स लॉ, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स सिंबल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। क्वेश्चन नंबर टू है पेज नंबर 18 का और इसका सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओएचएम और इसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ये छोटा इस तरह का प्रिंट में आप देखेंगे बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं जल्दी में तो थोड़ा सा एकदम क्लियर नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो मान लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हूज यूनिट इज ओम, तो इसका यूनिट वो क्वांटिटी रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम है। दूसरा तीसरा रिलेटेड है, व्हाट इज जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस हैविंग इनफाइनेटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन है, कीपिंग द रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ ए कंपोनेंट इज हाफ द रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख करके पोटेंशियल डिफरेंस को हमने हाफ कर दिया तो करंट भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये ओम्स लॉ है, दोनों प्रोपोर्शनल हो तो बढ़ेगा तो बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स, फैक्टर्स है कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल, घटने से घटेगी बढ़ने से बढ़ेगी, है ना। विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है थिन वायर और है थिक वायर। आप सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल अगर होगा तो थिन वायर में चूंकि एरिया कम होगी इसलिए रेजिस्टेंस थिन वायर का थिक वायर से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ बाय हाउ मच डज करंट चेंज, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं और रेजिस्टेंस को आधा कर दे रहे हैं तो करंट डबल हो जाएगी। इस तरह से 9 है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, व्हाट इज करंट, तो ये होगा वी अपॉन आर, ये आई हो जाएगी तो 20 अपॉन 5 आएगा आपका 4 एम्पीयर की करंट होगी। व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस, आपका आंसर मैंने दे दिया। ये क्वेश्चन है आपका 9, ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर्स फ्लोइंग इन इट, रेजिस्टेंस 20 ओम है करंट 2 एम्पीयर की है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्स होगा, तो 20 × 2 40 ओम होगा। स्टूडेंट्स 10वां का आंसर है। और 11 है, ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू ए वायर हुज एंड्स ऑफ एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, 5 एम्पीयर है 3 वोल्ट है तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस कितना होगा, वी बाई आई होगा 3/5 ओम होगा, यानी 0.6 ओम। फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द टेबल, व्हाट ओम्स लॉ स्टेट्स ए रिलेशन बिटवीन
potential difference and current of a conductor when temperature and other physical conditions of the conductor remains constant. तो इस तरह से हमने आपको ले लिया स्टूडेंट्स. अब ये हमारा इतने अभी स्टेज के क्वेश्चंस लगभग हमारे समाप्त हो रहे हैं. पहला पार्ट इसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का आप देखेंगे. आगे भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस. अभी इस वीडियो को हमें आपको रोक दे रहे हैं. आप इनको करते रहिए और आपको जहाँ भी दिक्कत होती है आप हमसे पूछ लेंगे, हम बताएंगे.